स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल में। मौजूद हूँ जनता के बीच, जनता की राय जानने के यूसीसी को लेकर जो है मुद्दा बन चुका है। और यूसीसी को लेकर सबसे पहले आपको बयान बता दूं कि एक बार जो है चुनाव जो है राम मंदिर पर हुआ था, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा बन चुका था। अब बात आ रही है यूसीसी के, क्या यूसीसी मुद्दा बन पाएगा 2024 के चुनाव को लेकर। इसी बीच जो है जनता के बीच आया हूँ, जनता से पूछने के यूसीसी के बारे में क्या सोचते हैं। सर, क्या लगता है कि यूसीसी जो है चुनावी मुद्दा या सच में देश को इसकी ज़रूरत है? नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊँ, जो चीज़ की जिस चीज़ की देश को ज़रूरत है वो चीज़ चाहिए, ये चुनाव मुद्दा नहीं है। चुनाव आदमी का माइंड का वो है। अगर मुझे मोदी जी को वोट देनी या केजरीवाल को वोट देनी, कोई भी कानून आ जाओ मैं दिमा, ठीक है ना, ये मुद्दा नहीं है। लेकिन जो यूसीसी है वो एक, हम जो मानते हैं कि एक घर में अगर दो कानून हो तो वो गलत है। सबके समान एक कानून होना चाहिए सबके लिए, ये हिंदुस्तान है, ठीक है ना। ये अगर मेरे लिए एक कानून है तो मेरे भाई के लिए भी एक कानून होना चाहिए। ये नहीं है कि मुझे फंसी दी जा रही है मेरे भाई को। पर विरोध क्यों हो रहा है, विरोध शुरू हो गया यूसीसी आने से पहले ही? देखिए, विरोध करने का इनका काम है, क्योंकि उन्हें जो वोट बैंक की राजनीति है ना, वो वोट बैंक की राजनीति उनकी ख़त्म हो जाएगी। एक पक्ष को जो कहीं से बाहर से ला कर आधार कार्ड बनाए जा रहे, वोट बैंक बनाया जा रहा ना, वो सब इनका ख़त्म हो जाएगा, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, 0% हो जाएगा बिल्कुल। फिर एक ही कानून चलेगा, एक ही समान चलेगा। और ये यूसीसी बहुत जरूरी है आने देश में, बिल्कुल आनी जरूरी है। पर कांग्रेस तो कह रही ना, अगर यूसीसी इतनी जरूरत थी तो 9 साल तक थी सत्ता में बीजेपी, अभी तक क्यों नहीं लाई, चुनाव के टाइम पर ही क्यों? अच्छा देखे सुना, 2024 में चुनाव है, इससे पहले बीजेपी ने कौन सा काम नहीं करा बताइए, कौन सा काम नहीं करा है? हाईवे ना बनाई हो, राम मंदिर ना बनाया हो, तीन तलाक ना दिए हो, धारा 370 ना हटाई हो, और बहुत काम है, देश विदेश में इतना मान सम्मान दे दिया, और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हैं? जिस चीज़ का जो टाइम आएगा उसी टाइम पर तो करी जाएगी। अब इस टाइम पे यू मुद्दा था, यू आ गया, इससे चुनाव से कोई फर्क नहीं। मैं बताया, ये माइंड की बात है। अगर मुझे केजरीवाल को वोट देनी तो मैं केजरीवाल को देमा, अगर मुझे मोदी जी को वोट देनी मैं मोदी जी को देमा, कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ पर, सरकार क्या ला रही, क्या नहीं मुद्दा ला रही, क्या नहीं ला रही, ठीक है ना। वो कोई मायने नहीं रखता, वो कोई मायने नहीं रखता। मेरा माइंड का काम है, अगर मोदी जी सही काम करेंगे मैं मोदी जी को देमा, केजरीवाल सही काम करेगा मैं केजरीवाल को देमा। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं, कोई केजरीवाल का समर्थन है, कोई कांग्रेस का समर्थन है, कोई उसका है, तो ये यही बात है, यही मुद्दा है कि भाई जो कानून की देश को ज़रूरत है वही कानून चाहिए। तो देश को लगता है ऐसा ज़रूरत है यूसीसी की, तैयार हो गया है देश यूसीसी के लिए? जब मोदी जी कह रहे हैं तो तैयार ही है देश, जब मोदी जी कह रहे हैं कि यूसीसी है तो तैयार ही है मोदी। लेकिन जो है 9 साल से मोदी जी सत्ता में थे, अभी तक तो नहीं लाए, जैसे चुनाव आने वाला है वैसे यूसीसी की बात छिड़ गई। अब ये तो देखो जी, देश की जनता जो मोदी जी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे होंगे। सर आपको लगता है महंगाई है अभी? नहीं देखो, मैं तो मानता नहीं महंगाई हो। जिस टाइम मेरी 3,000 तनख्वाह थी उस टाइम 400 रुपये का सिलेंडर था, आज मेरी 25,000 रुपये तनख्वाह है, 1100 का सिलेंडर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सिलेंडर लेने में। और सबसे बड़ी बात है कि लाइन में लगना, उस टाइम का पूरा धाड़ी खोनी, टाइम वेस्ट करना अपना और परेशानी को भुगतना। अभी क्या है, 2 सिलेंडर आज ख़त्म हुआ, आज बुक करा फ़ोन से, वनते मिलना ड्यूटी से, पेटीएम करा, फ़ोनपे करा, टेंशन ख़त्म, घर सिलेंडर आ गया। पर व्यवस्था तो अच्छी होगी, लेकिन लोग कहते हैं कि महंगा कर दिया है। देखिए टमाटर महंगे हो चुके हैं, टमाटर महंगे भाई मोदी जी ने तो नहीं करे। एक बात बताओ, अगर कोई फसल ख़राब होगी या कोई कहीं से कोई चीज़ आ गया, टमाटर महंगे मोदी जी ने किए कि आम पब्लिक ने किए, ये बताओ। महंगाई दिख रही है ना टमाटर से, कमा रहे हो ना, कमा रहे हो तो खर्च कर, अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते। नहीं, जब 10 रुपए किलो मिल रहा था तब क्या फ्री में दे रहा था, तब दिक्कत थी हैं, ये बताओ ना, तब दिक्कत थी। जनता परेशान हो गई, देखिए टमाटर महंगे हो, परेशान टमाटर से महंगे हो, और गोश्त जो 20 रुपए किलो था वो 250 पहुँच गया, तब नहीं महंगा हुआ है? 800 रुपए किलो बकरा हो गया, वो महंगा नहीं हुआ है? टमाटर आलू इस पे जा रहे हो, देश का सिलेंडर महंगा हो गया, देखिए आज रेट फिर जो है यार। पहले हम 10,000 रुपये सैलरी लेते थे, आज 18,000 ले रहे हैं, ठीक है। महंगा हमारे लिए महंगाई हुई तो क्या नाम कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, तो क्या अभी ले जाते हैं टमाटर या नहीं घर पे? लेकर जाते हैं, अभी भी लेकर जाऊंगा, 2 रुपये जाते थे, आधा किलो ले जाएंगे अब, आधा किलो 250 ग्राम और क्या, जैसी अब महंगाई हो गई। महंगाई तो महंगाई नहीं हुई, टमाटर महंगा हुआ तो महंगाई हो गई, आटा भी तो चाल। आप ही बोले ना पहले 1 किलो अब आधा किलो, क्यों और क्या, पहले ज्यादा खाते थे अब कम कर दिया, ज्यादा
कोई फर्क नहीं पड़ेगा उतना, कोई फर्क नहीं पड़ना, देश का भला हो रहा है ना, होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हमारी तुम्हारी जेब में जा रहा है। टमाटर महंगा किसने किया, मोदी जी ने किया या कांग्रेस ने किया, ये बताओ ना। आम पब्लिक ने किया, सब्जी वालों ने किया, उसमें मोदी जी घर घर जाके टमाटर थोड़ी ना बिचवाएंगे। तो किसानों को लाभ पहुंचाए, सस्ता हो। यार एक चीज बताओ कि जब 80 रुपए किलो किसानों से खरीद रहा है तभी तो दुकानदार बेच रहा है, हैं? तभी तो 150 बेच रहा है। हम 500 अब ये लेकर के जा रहे हैं, 3000 का कार्टून खरीदा, 5000 का बेचेंगे, तो महंगाई कहाँ है? हम भी तो कमा रहे हैं। पर लोग कहते कभी नहीं हुआ इतना महंगा जितना आप। यार पहले नहीं हुआ, दाल महंगी नहीं, कांग्रेस के राज में दाल महंगी नहीं हुई, क्या नहीं महंगा हुआ? सब कुछ महंगा हुआ कांग्रेस के राज में, अब कौन सा फर्क पड़ गया? पहले भी नहीं था, पहले 700 की तनख्वाह में गुजारा करते थे, 18000 में कर रहे हैं, कुछ महंगा नहीं है। पर कांग्रेस तो कहती है दालों को जो है अब ख्वाबों में सोचिए, दुकानों में भी नहीं। यार कांग्रेस को क्या सोचना है, क्या वो तो बेकार है। ठीक है, 58 साल कौन सा सामान सस्ता दे दिया, 70 साल राज की आप कह रहे बेकार है। बेकार तो है ही है। हाँ, बेकार तो है ही है। पार्टी बेकार क्यों है? जब अब बराबर की टक्कर देने वाला आ गया तो 70 versus 9 साल क्या लगता है आपको, 9 साल में अच्छा विकास हुआ या 70 साल में? जो काम देश के लिए 9 साल में हुआ वो 70 साल में नहीं हुआ। हाँ, हाँ। क्यों जो 370 धारा हटा पाए 58 साल में, बस की थी है? बताओ, राम मंदिर बनवा पाए, क्या क्या चाहिए और इससे बड़ा क्या चाहिए यार देश में? कौन सा मुद्दा रहेगा 24 के लिए, कौन सा मुद्दा रहेगा? कौन सा मुद्दा रहेगा 24 के लिए? यूसीसी आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। बिल्कुल खड़ा कर, खड़ा करेगा मुद्दा, मुद्दा ये पप्पू खड़ा करेगा। और क्या, कौन पप्पू, किसको बोल देते हैं? यही जो राहुल मुद्दा ये खड़ा करेगा, कोई कोई मुद्दा निकाले, इसका चेहरा है, आप कुछ भी बोल देते हैं। पहले जिससे इंटरव्यू देते हो उससे तो यूसीसी की फुल फॉर्म क्या है, सीए की फुल फॉर्म क्या है, आपको पता है? इधर आइए, इधर आइए, हमें सब पता है। तो पहले वो पता कर लो, उसके बाद पूछना मुद्दा क्या। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से मोदी जी तो हमारे देश को कितने आगे ले गए, देखो हमारा देश का कितना सम्मान विदेशों में हो रहा है। पहले हमारा देश के विदेशों में जाते थे कोई इंसल्ट करते थे लोग, ये तो गरीब देश से है, ये तो भिखारी देश से आए। आज हमारा मोदी जी का सम्मान नहीं हो रहा, हमारे देश का सम्मान हो रहा है। और आज पूरे देश में देखो जो कांग्रेस ने 70 साल में कांग्रेस ने देश को तोड़ा है, एक देश में 2 कानून ला के मुस्लिमों के लिए अलग और हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए, और लाखों हिंदुओं को कांग्रेस ने मरवाया है आज तक।